हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एक्ने। तो इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि एक्ने क्यों होते हैं, कैसे उनको, कौन सी दवाइयां हैं जो एक्ने को ठीक करने में काम आती हैं, उसके अलावा कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक्ने होंगे ही नहीं। और ये उन लोगों पे भी अप्लाई होता है जो गियर नहीं ले रहे हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बाहर से स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हैं, वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, उनको भी एक्ने से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्ने से रिलेटेड आपके हर क्वेश्चन का आंसर होगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक देखना। तो गाइस, एक्ने क्यों होते हैं जब आप टेस्टोस्टेरोन या बाहर से स्टेरॉइड बॉडी में डालते हैं तो होता क्या है? तो भाई, जैसे ही आप कोई स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बाहर से बॉडी में डालेंगे तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा डीएचटी। एस्ट्रोजन में कन्वर्जन होगी एरोमेटेज एंजाइम के थ्रू और डीएचटी में कन्वर्जन होगी 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ डीएचटी की, क्योंकि हम एक्ने के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हम गाइनो रिलेटेड बात करेंगे तो हम एस्ट्रोजन की बात करेंगे। तो डीएचटी बेसिकली हमारे स्किन के अंदर होता है, इसका रिसेप्टर हमारे बालों के अंदर होता है, प्रोस्टेट के अंदर होता है। जैसे ही डीएचटी में कन्वर्जन होती है, हमारी बॉडी में से सीबम की सिक्रीशन बढ़ जाती है। सीबम जो होता है, जो सीबम हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं स्किन के नीचे, उनके अंदर सीबम ज़्यादा बनने लग जाता है। ज़्यादा सीबम यानी कि ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से वो धीरे धीरे इन्फेक्शन वहाँ पे बढ़ता चला जाता है और एक परत ऊपर की तरफ उठती है, जिसको आप एक्ने और ये सब बोला जाता है। तो बेसिकली एक्ने का फंडा यही है कि एक्ने इसी वजह से हो रहे हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, जो लड़के होते हैं 17, 18 साल, 19 साल के, उनको भी एक्ने निकलते हैं, उसकी भी वजह यही होती है क्योंकि ज़्यादा सीबम सिक्रीट हो रहा है, ज़्यादा सीबम की वजह से ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है और एक्ने निकल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्ने कैसे निकल रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि एक्ने ठीक कैसे करें, अगर निकल रहे हैं तो बंद कैसे करें। तो मैंने बताया आपको तीन तरीके हैं। एक तरीका है कि आप मेडिसिन का यूज़ करें और उसको बंद कर दें। तो मेडिसिन होती है, इसमें दो तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है डीएचटी ब्लॉकर, यानी कि उसका यूज़ करें और डीएचटी के जो एंजाइम्स हैं उसको बंद कर दें, मतलब डीएचटी कन्वर्जन को रोक दें या ओवरऑल डीएचटी लेवल्स को कम कर दें इस दवा के थ्रू। तो उस दवा का नाम है फिनकार। ये दवा आपको यहाँ पे केमिस्ट पे कहीं पे भी मिल जाएगी और इस दवा का इस्तेमाल करके आप डीएचटी लेवल्स को कम कर सकते हैं। दो दिन में एक टैबलेट खा सकते हैं इसकी आप, उससे आपका इनफ डीएचटी लेवल कम होंगे। मगर डीएचटी लेवल कम करने का मतलब है कि आपको इससे आने वाले और कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाएंगे। अगर डीएचटी हमारी बॉडी में ज़्यादा कम हो जाएगा तो आपको बॉडी की हार्डनेस चली जाएगी, स्ट्रेंथ भी वीक हो जाती है और भी कई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं डीएचटी कम होने से। तो इसको सही अप्रोच नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन को ही ख़त्म कर दें। तो इसमें एक तरीका है कि हम अपने ऑयल ग्लैंड्स को सिग्नल करें, उसको मिमिक करें कि वो ऑयल का कम सिक्रीशन करें। उस केस के अंदर जो ड्रग यूज़ की जाती है उसका नाम है एक्यूटेन। जो ड्रग है इसका इस्तेमाल करके आप जो है आपके ग्लैंड्स जो हैं वो कम ऑयल को सिक्रीट करेंगे, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं, एक तो आपके लिप्स चैपी हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी बहुत ज़्यादा, उसके अलावा लीवर पे भी थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। तो इसका इस्तेमाल भी बहुत तरीके और मॉडरेट वे में ही किया जाता है। उसके अलावा जो एक तरीका है वो ये है कि जो आपका बैक्टीरिया बना है उसके अंदर, सिर्फ उस बैक्टीरिया को मार दें। तो उसके लिए यूज़ होती हैं दो ड्रग, टेट्रासाइक्लिन और एग्यूमेंटिन। एग्यूमेंटिन या टेट्रासाइक्लिन, दोनों में से किसी भी ड्रग का आप यूज़ कर सकते हैं, उससे वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपके बॉडी में और भी जो बैक्टीरियाज होते हैं ये उसमें भी फ़र्क नहीं कर पाता और उन्हें भी मार सकता है। तो इसीलिए इसका भी इस्तेमाल बहुत मॉडरेट वे में किया जाता है। मगर इसमें आप एग्यूमेंटिन या टेट्रासाइक्लिन, इसको आप 10 दिन स्ट्रेट ले सकते हैं, जैसे ही आपके एक्ने कम होते हैं उसके बाद आप इसको जो है तो धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2-3 दिन में एक बार चलाएं फिर उसके बाद इस तरह से कर सकते हैं, या इनिशियली अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो उस साइकिल के अंदर इसको रख सकते हैं 2 दिन में 1 गोली। अगर कुछ ऐसे नॉर्मल भी तरीके हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप अगर ऐड कर लें तो आपको एक्ने होंगे ही नहीं, या होंगे तो बहुत कम होंगे, वो आप इन कुछ दवाइयों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके उनको भी ख़त्म कर लेंगे। तो सप्लीमेंट्स क्या हैं, जो स्किन हेल्थ के लिए सप्लीमेंट है वो है प्रोबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं आप अपनी डाइट के अंदर, यानी प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट डालिए या दही ज़्यादा खाइए।
तो दही से इतना नहीं हो पाता है, तो इसलिए प्रोबायोटिक का आप एक सप्लीमेंट रख सकते हैं। उसके अलावा जो है बायोटीन रख सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, जिंक ज़्यादा रख सकते हैं डाइट में। अगर ज़्यादा जिंक होगा तो आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी रहेगी। उसके अलावा नॉर्मल कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप डीएसटी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो डीएसटी ब्लॉक करने के नेचुरल जो तरीके हैं वो है ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं तो डीएसटी अपने आप ब्लॉक होता है, यानी कि आप दिन में 2 से 2 बार 3 बार ग्रीन टी पीजिए, उससे कम होगा। पम्पकिन सीड ऑयल का कंजम्पशन अपनी डाइट में, जो आप रात को सीजनल सैलेड कुछ ले रहे हैं तो उसके अंदर आप जो है पम्पकिन सीड के तो एक स्पून डाल लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा, डीएसटी को ब्लॉक करेगा, एक्ने कम होंगे। उसके बाद आप अपने जो वॉशिंग, जो आपके नहाने या उन सब की जो हैबिट होती है उसमें भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, उसमें आप एक चीज़ डाल सकते हैं जो है बेंजाइल प्रोक्साइड। ये एक तरीके का जेल होता है जो आपके, जो आपको लगता है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा एक्नेज निकलते हैं वहाँ पे आप इसे क्लीनिंग कर सकते हैं 2 दिन में 1 बार। और उसके अलावा एक आप एक्ने वाइप्स ले सकते हैं, जैसे आप सुबह आपने नहाया, जिम किया, और रात का टाइम है तो रात में आप उससे क्लीन कर सकते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे भी जो भी आपका इन्फेक्टेड एरिया है, आर्म्स हैं, बैक है, या जहाँ पे भी आपको एक्ने आ रहे हैं वहाँ पे आप हल्की सी क्लीनिंग कर सकते हैं एक्ने वाइप्स से। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अगर ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होगा और उसकी वजह से वो भी होगा, तो इसको भी बहुत मॉडरेट रखना है। 2 दिन में 1 बार 3 दिन में 1 बार कर सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका आता है जिसका आप यूज़ करके आप जो है अपने जो ग्लैंड है, जो आपके सीबीसीस ग्लैंड हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं और जो बैक्टीरिया उसमें पनप रहा है वो अपने आप ही मर जाएगा। वो है सनबाथ, यानी कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार सन बाथ ले सकते हैं। आप कपड़े उतारिए जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, थोड़ा सा उसको सन की लाइट में आने दीजिए, सन की लाइट से अपने आप ही वो बैक्टीरिया जो पनपे हो वो मर जाएंगे और जो ग्लैंड्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। ग्लैंड छोटे होने की वजह से आपको एक्ने होंगे ही नहीं वहाँ पर, मतलब इतना ऑयली सिक्रीट नहीं हो पाएगा कि आपको एक्ने हो जाए। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपके एक्ने की हर परेशानी को सॉल्व कर देगा। भाई एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी ड्रग्स मैंने आपको बताई हैं वो वेरी टू बॉडी टू बॉडी वेरी करती हैं, हर किसी की बॉडी पर सेम तरीका काम नहीं करता है। कई बार हमें ड्रग्स को ऊपर नीचे करके देखना होता है, तो एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आप इन ड्रग्स का यूज़ करने वाले हैं तो एक स्किन के अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको सही और बताएगा कि कौन सी ड्रग को किस तरह से यूज़ करना है, तो उससे आपको ज़्यादा फायदे होंगे। सो गाइज, ये था वीडियो एक्ने के ऊपर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टे ट्यून्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑल्सो। बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है तो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम वो एप्लीकेशन ही सॉल्व कर देगा। ओके, गुड बाय।